हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे मेरे भारत देश के और हिंदुस्तान के सारे कॉमन लोगों को गाइस वेलकम बैक टू चैनल फिटनेस में स्वागत करता हूँ आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, मनोज पाटिल और साहिल खान के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके अंदर मनोज पाटिल ने आज अपना IGTV पे इंस्टाग्राम पे एक IGTV वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी अपडेट दी और उनके हेल्थ के अपडेट के बारे में उन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो वीडियो को आपको सबसे पहले मैं मनोज पाटिल की खुद की क्लिप दिखाता हूँ IGTV की, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे मेरे भारत देश के और हिंदुस्तान के सारे कॉमन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। दोनों हाथ और दोनों पैर जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, इतना तक मुझे लगता है कि आपके प्यार की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से आज मुझे सेकेंड जन्म मिला है मेरा लाइफ का। और जो मैंने गलती की है वो मुझे लगता है कि लाइफ में कोई भी लड़का नहीं करना चाहिए। मेरी लाइफ की वोस्ट मिस्टेक थी ये, जो मैंने डिसीजन लिया है आज अपने आप को ख़त्म करने का। उसके बाद मेरी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया है इस चीज़ में, यू नो। और मैं आप सभी को थैंक यू बोलने के लिए वीडियो बना रहा, और एक मेरी हेल्थ की अपडेट देने के लिए कि मैं फाइनली घर पर आ चुका हूँ और मैं रेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला 2 दिन और रेस्ट करना है। थोड़ा सर में पेन है, हड्डियों में पेन है, और इधर बहुत पेन है बिकॉज वहाँ से पाइप डाली हुई थी और मेरा पूरा अंदर का सब मेडिसिन और सब कुछ उन्होंने पुल आउट कर लिया था। तो बहुत यहाँ पे पेन हो रहा है, सर में पेन हो रहा है। तो हम टेस्टिंग पर फिर भी डिस्चार्ज मिल गया है और हम फीलिंग बेटर। 60% 70% आई एम फीलिंग रिकवर। और उस दौरान मैं बहुत देखा, मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, सारे एथलीट एक साथ जुड़ गए, मेरे भाई लोग सब लोग जुड़े। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि कोई एक इंसिडेंट के बाद सब लोग, मेरे भाई लोग सब जुड़े हैं। इस बात का मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं ऐसी कम्युनिटी बिलोंग करता हूँ। उस कम्युनिटी में इतने अच्छे लोग हैं, वो मेरे लिए खड़े हुए, अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए खड़े हुए। आप सभी लोग मेरे लिए खड़े नहीं हुए हो, आप एक एथलीट के लिए खड़े हो, आप एक बॉडी बिल्डिंग गेम के लिए खड़े हो। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। ऐसे हम लोग साथ में सपोर्ट के साथ चलेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि FIR फाइनली लॉन्च हो चुका है साहिल खान के खिलाफ, जिन्होंने ये बहुत गलत किया है मेरे साथ और एथलीट के साथ। और हम लोग, मेरी वकील और मेरी टीम, पूरी टीम उसके ऊपर काम कर रही है कि यू नो कि कैसे भी करके बेल ना मिले और जल्दी अरेस्ट हो जाए। और मैं उन सारे बहनों को बहुत सैल्यूट देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा सैल्यूट देना चाहता हूँ कि इतनी लड़कियाँ मुझे सपोर्ट कर रही है, उनको इतना टॉर्चर, इतना गालियाँ और इतना सब कुछ मिल रहा है। मुझे बहुत लड़कियाँ मैसेज कर रही है, फिर भी लड़कियाँ डटी है, खड़ी है। आप सब लोग झांसी की रानी हो मेरे दिल में, और मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। और मोहित के बारे में, स्पेशल मोहित के बारे में बताऊंगा कि मुझे मोहित का आपको फ़ोन आया था, वीडियो देखा मैंने उनका, कि मोहित को मारने की धमकी आ रही है मेरी वजह से, मेरे वजह से स्टैंड लिया उसने और उसके साथ में ये हो रहा है। मोहित भाई प्लीज़ डोंट, डरो मत मोहित भाई, मैं आपके साथ हूँ। मोहित भाई मैं आपके साथ हूँ, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। अब वो डरने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है प्लीज़ जाओ FIR करो। FIR द बेस्ट, अपना लॉ जो है, अपना संविधान है, उसके हिसाब से हमें पूरे राइट्स हैं कि हमें कोई धमकाता है तो हम जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। और ऐसे ही सारे रैकेट्स धीरे धीरे खुल रहे हैं, जैसे हंग वाटर का भी मुझे एक कॉल मैसेज आया था कि वहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन सभी को भी ऑल द बेस्ट। ऐसे डरो मत, आगे बढ़ो। मैंने आगे कदम उठाया है तो आप लोग भी कदम उठाओ, और साथ में हम लोग जब आएंगे डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये मेरी इंडिविजुअल जीत नहीं होगी। मनोज पाटिल इज नो वेयर, मुझे मनोज पाटिल कुछ नहीं है, मनोज पाटिल इज जीरो। एक जीत होने वाली है हमारे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की, जीत होने वाली हमारे एथलीट्स की, जीत होने वाली हिंदुस्तान की। सब लोग डट के पीछे खड़े रहो मेरे, तट के साथ में रहेंगे, कंधे से कंधा लगाएंगे, और इस चीज़ से जीतना है मेरे भाइयों। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, जो भी मेरे साथ में खड़े हैं उनको दिल से रिस्पेक्ट और दिल से प्यार, और जो मेरे साथ में नहीं खड़े हैं उनको भी दिल से प्यार। मुझे पता है कहीं ना कहीं आपको डर है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा और आपको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। मैंने की है लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक,
मैं आपको बताता हूँ लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक की है मैंने। मेरे भाई ने इतना सफर किया, मेरे फैमिली ने इतना सफर किया, वो मुझे पता है कितना सफर किया, और ये लाइफ में मैं कभी करना नहीं वाला। लड़ूंगा मरूंगा, गिरूंगा, गिर के क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं जीरो से आया हूँ, जीरो हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला मेरे को। लेकिन कभी सुसाइड का कभी लाइफ में नहीं सोचूंगा। थैंक यू सो मच हिंदुस्तानी भाऊ, आपने इतना सपोर्ट किया, सारे मेरे फ्रेंड, मेरे इतने सारे फ्रेंड, मेरे क्लोज फ्रेंड, मेरे बम्बे के फ्रेंड, सब ने मुझे सपोर्ट किया। विशाल दादा, सूरज दादा, अतुल दादा, अतुल दादा, प्रणील, सब लोग, एवरीबॉडी, मतलब सब लोग जुड़े, संग्राम दादा, सिद्धार्थ भाई, सब लोग, एवरीबॉडी। मैं आई एम सॉरी मैं किसी का नाम अगर भूल रहा हूँ, क्योंकि इतने नाम है और मुझे खैर में याददाश्त भी बहुत कम आ रही है फिलहाल। तो एक आपको एक मैसेज करने के लिए कि मैं फिलहाल ठीक हूँ, घर पे हूँ, डॉक्टर ने बोला है मैक्सिमम रेस्ट लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत पेन है बिकॉज ऑफ पाइप, और मैं रेस्ट कर रहा हूँ। और आपके सभी की दुआ ने गणपति बापा के आशीर्वाद ने मुझे सेकेंड जन्म दिया है, सेकेंड जन्म का मैं चीज करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर द लव गाइस, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी, तो वीडियो में देखने के बाद मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स अगर हो रहे हैं, तो आपको कभी भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, और आपको ये स्टेप उठाने से आपकी फैमिली के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आप तो कुछ नहीं होते, आप तो बीमार हो जाते हो या कुछ भी हो जाता है, तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी फैमिली को होती है। तो कभी भी ऐसा स्टेप ना उठाएं, ये बहुत डेंजरस स्टेप है और ये एक क्राइम है। भगवान ने इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है, उसको खुशी से जिए, और कुछ भी होता है तो उससे लड़ने के लिए दम रखें, ठीक है। और कभी भी आपके साथ ऐसा कोई साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम अगर होता है, तो आप कंप्लेंट कराइए, FIR कराइए, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। और आपने ये भी सुना कि किस तरीके से उनकी पूरी फैमिली परेशान थी, और सबसे ज़्यादा परेशानी अपनी फैमिली को ही होती है। तो सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल, कुछ भी हो जाए सुसाइड आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं आपको से ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में लेके आता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिटनेस का ये चैनल है। अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी चीज़, क्वेश्चंस, क्वेरीज अगर आपको चाहिए, तो चैनल के ऊपर 100 वीडियोज़ हैं, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए, फिटनेस प्रैंक वगैरह सारी, एंटरटेनमेंट से लेकर फिटनेस से भरपूर चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर जरूर करना आगे तक, और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हार्ड वर्क ग्रो।